Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जी सुल्तान जी, चलते हैं ना कल। बेबो, अगर इस तरह कहोगी तो ये रीमा मीरा साहिबा क्या, मैं तो तुम्हें रीना कपूर से भी मिलवा दूंगा। नहीं, अभी मैं लाहौर आई ना, इसलिए मुझे साहिबा जी से मिलना है। वो तो आपके बहुत अच्छे दोस्त है ना, खुद ही चाय पे बुलवा लेंगे। हाँ, खुद ही बुला लेंगे, बल्कि कल मुझे चाय पे बुला रहे थे, मैंने खुद ही टाइम नहीं दिया। वो तो एक मिनट में हमें बुला लेंगे। जी रीमा जी बुला रही है जी। देखा, फोन भी आ गया। कौन बुला रहे? सैयद नूर साहब। ओ नहीं जी, रीमा जी चाय के लिए बुला रही है। बेबा देखो, रीमा के साथ तुम्हारी चाय आज हो गई, ये जाके पियो। रही बात साइमा और साहिबा की, फिर कभी तय कर दूंगा। पक्का? पक्का। ओके, मैं जाती हूँ। उनको पता चल जाए मैं उनके लिए क्या क्या कहता हूँ, मुझे स्टूडियो ना घुसने दे। आज तो अपना नाम बता ही दो, वरना मैंने हाथ नहीं छड़ना। हाय अल्लाह, नीमे छोड़ दो ना, कोई देख लेगा। अरे अल्लाह, कितना अच्छा लगता है तुम प्यार से तुम नीमा कहती हो। मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम नाम नहीं बताओगी। अरे मेरा नाम है शमसुन्निसा बेगम। अजी रहन दो ये चमचुन्निसा बेगम, मैं तो आपको नबील की दादी कहूंगा, ये ठीक है ना? अच्छा तो क्या बता रहे थे आप? आप कुछ कह रहे थे? अम्मा अम्मा आ गई, अम्मा भी यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ। ओ मेरे वाली तो आ गई। हाय कहाँ? ओ कमरे च मक्खी आ गई। आते आते। आंटी जी अब बुला लेना रीमा को। हमारे यहाँ ना सारे आ जाते हैं तो उसके बाद लड़की को बुलाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि लड़का लड़की आपस में मिल ले तो बातचीत कर ले एक दूसरे से। अब तो सब लोग आ गए, अब बुला लेना लड़की को। अच्छा सारे आ गए तो बुलाते हैं। रीमा, ओ रीमा आजा पुत्र चाय लेके। अल्लाह खैर, भाई बच्ची लड़खड़ाती हुई आ रही, के बूटी बूटी तो नहीं पी ली मेरी बच्ची ने? बेटा आपके नाम? रीमा। चाय आपने बनाई? जी। ये शौक कब से हुआ? किसका? चाय बनाने का? जी वो पिछले आधे घंटे से। माशाल्लाह सलीक आश्वार, कोई शुगर बच्ची, और क्या क्या बना लेती हो? जी मैं बना लेती हूँ भैंस का चारा और उसके साथ साथ कबूतरों का दाना और तोते की चूरी। पापा ये सब कुछ मैं नहीं खाऊंगा। अभी अब तो तुझे खाना पड़ेगा। असल में ना इसको जानवरों से बड़ी मोहब्बत है, शादी के बाद इंसानों में जाएगी तो सीख लेगी। ये भी ठीक है। तो हम इनमें रिश्ता नहीं कर रहे। अब्बा जी रीमा पुत्र चावड़ा सबके लिए। अबे तवे पे कड़ाकट बन रहा क्या? भाई ये तो मुझे फिल्म ब्लैक की रानी मुखर्जी लग रही है। मुझे तो लगता है इसकी शक्ल में कोई मसला है, इसलिए इतना बड़ा घूंघट लिया मैंने। बेटा जरा घूंघट तो उठाओ। ना जी ना, हमारे यहाँ ना पहले चाय पिलाते हैं उसके बाद घूंघट उठाते हैं। ले आ बेटी चादर। खालाई चाय पियो। ऐ तो कौन है? खालाई कुड़ी ने हथों बढ़ाई है, चाय पी ले। चाय। बेबू मुझे पक्का यकीन है कि इन्होंने चाय में कुछ मिलाया है। काफी? अम्मा भी। अरे चाय तो बहुत अच्छी है भैया। मुबारक मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक जी मुबारक। भाई मुझे तो लड़की बिल्कुल पसंद आ रही। मुझे भी। लो भैया मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझे आप बिल्कुल। अब अंगूठी भी पहना देती हूँ बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खालाई ओए होए होए, बड़ी रिश्ती हो गई, अंजुमन को बताना चाहिए भाई। खालाई खालाई ये आपने क्या कर दिया है? चुप कर, लड़कियां नहीं बोला करती इस तरह के मामलात में। तेरी अम्मा से बात करूंगी मैं। वो मर गई है। अरे कैसे मर गई? सुबह तक तो ठीक थी, अच्छी बली थी, जिंदा थी।
अम्मा जान ये लड़की नहीं है। आई बाबली, मैंने कब कहा कि मैं लड़की हूँ? तू मुझे ये बता, इसकी माँ कैसे मर गई? अच्छी भली थी भाई। देखो अब तो हमने पहना दी है अंगूठी, लिहाजा ये बहू हमारी थी। अरे अम्मा को लाहौर आके पता नहीं क्या हो गया, दादी का हालत खराब हो गया, कभी चलता है कभी नहीं चलता। अम्मा जान गलत अंगूठी पहना दी आपने। हाय कोई भी नहीं, वही अंगूठी है जो कफील के अब्बा ने मुझे पहनाई थी। नीमा जी भाई, हम तो बहू लेकर जाएंगे। वो मेरी बहू तो छट जाओ। माँ जी आप ही को मंगनी मुबारक को, मैं ऐसे जा रही हूँ। लड़का कराची का ते कुड़ी लाहौर दी। अम्मा मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, बस बता दी हूँ हटा हो गए। मुझे ये बताओ अम्मा कि अगर ये ना उतरी तो फिर क्या होगा? बेड़ा तर्जे कोशिश करूं तारी से। तू खुद सोच, तेरे अब्बे को क्या मुंह दिखाऊंगी, उसकी रूह कुछ पुट्ठा सीधा ही ना समझ ले। अम्मा पता दादी कह रही थी कि एक बारी जिस उंगली में पड़ जाती है ना अंगूठी, बस उससे रिश्ता पक्का हो जाता है। ऐवें ही पक्का हो जाता है? उतार इस साहब को, मैं ना उसके मुंह के ऊपर मार कराऊंगी जो ऐनक उस बुढ़ी बेबे ने पहनी हुई है ना उसके ऊपर। चल कोशिश कर। मैं कोशिश कर लेती हूँ लेकिन उसको पहले नहीं नजर आता, बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाएगा। आए लड़का अच्छा है। उतार चल, अगर नहीं उतर रही तो रहने दे। ठहर जा, करती हूँ अम्मा ठहर जा। आपको किसने कहा था कि दादी को अंगूठी दे, ना इनको सही तरह दिखाई देता और ना ही सुनाई देता है। ये सारे उल्टे काम तेरे बाप के अलावा कौन कर सकता है? अरे बाप ने काम कर दिया लेकिन मैं अपनी माँ जितनी उम्र की औरत से शादी नहीं करूँगा, बता रहा हूँ। अरे भाई तुम लोग जो भी कहो, लड़की है बहुत प्यारी। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं इनके कानों का, इन्हें ऐसे समझ नहीं आएगी। एक मिनट। हाँ इसको बड़ी समझ में आ गई, हमें आज तक समझ में नहीं आई। दादी आपने गलत लड़की को अंगूठी पहना दी यार। दादी दादी ये लगा, आपको पता आपने क्या किया? आपने लड़की की जगह लड़की की माँ को अंगूठी पहना दी है। तो भाई इसमें मेरी क्या गलती है? जो मेरे साथ बैठी थी मेरे लिए तो वही लड़की थी ना भैया। अब मेरा क्या होगा जनाबे आली? अरे अब क्या होना है, मंगनी तो हो गई। लो बुक तो मैं नहीं करूंगा। अरे क्या तूने लोशन तो तेल तो इतनी चीजें मिला के लगा दी है। अरे पहले मेरी उंगली दुख रही, आग ही ना लग जाएगी। अम्मा मैं बता रही हूँ ये सब दिया मैंने ऊपर लेकिन ये उतरनी नहीं है। मैं बता रही हूँ अम्मा जी, अब मंगनी पक्की हो गई है। ऐसे कैसे मंगनी हो गई है? शादी तो मेरी रीमा की होनी है। वैसे अम्मा जी आजकल ना रिवाज बड़ा चला हुआ है, बड़ी लड़की छोटा लड़का मान जा। अंजुमन दिमाग ना खराब कर मेरा, चल कोशिश कर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह की बरकत। आए बेड़ा तर्जे तेरा मेरी कमर चुक मैं गई। अब पापा पापा। हाँ बेटा आजा। पापा इतनी तकलीफ में एक बात सोचता हुआ नीचे आया हूँ। बता मेरा बच्चा बता बोल। मैं कह रहा था कि सारा पैसा है तो आंटी का, अगर रीमा से रिश्ता तय नहीं भी होता तो अब्बा का हक बनता है, पैसा तो घर में ही आएगा ना। बात सुन, मम्मी ने कह दिया कि अंगूठी पहना दी तो लौंडिया लड़की लेकर ही जाएंगे। हाँ तो फिर लेके जाएंगे लड़की, शादी होके रहेगी। मतलब बाबला हो रही है तू, उस बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम से शादी करेगा? अरे काहे की बुड्ढी, अम्मा से तो 10-1 साल छोटी होगी। अबे लालच में तो तू अब्बा से भी तो हाथ आगे निकला, अब तू मेरा नाम रोशन करेगा तो फिर शनाइया बजाए। हाँ बजा, तेरी शादी की तैयारियां शुरू करते। मेरी शादी की उस आंटी से? और किसकी? अरे अब्बू मैं तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ। अब एक मिनट रुकियो, अब एक मिनट रुकियो, जरा शर्म आ गई। अबे लेकिन बातों तो मुनासिब कर रहा, लेकिन एक बार फिर मामला हो रही है तू। अब जब दूसरी कर रहा हूँ तो क्या पहले जैसी से करूंगा? अब नया मॉडल लाऊंगा लेटेस्ट। अब बात को समझो, ये जो पुराना मॉडल आ रहा है ना इसके साथ बहुत सारा पैसा भी आ रहा है। जब पुराना मॉडल आ जाएगा तो दोनों पुराने मॉडलों को डाल देना गैराज में और फिर दो नए मॉडल ले आना। अब ज्यादा लग गई क्या? अब अभी अभी
अच्छा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बुजुर्गों से ना ऐसी गलतियां हो जाती हैं। अरे हमारे दादाजी भी तो सोच समझ के गलती करते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था मुझे तमाशा मत बनाओ, हो गया आप लोग का दिल खुश? फिल्मी हीरोइनों की तरह मुझे बोल दिया ऐस तरह करके ट्रे लेकर जाओ, फूट गए ना मेरे कर्म। तू फिक्र ना कर पैन मेरी है, मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता। माँ जी की डोली इस कार से नहीं उड़ सकती। पासदार रहन दे, वो दादी जी ने कहा है कि एक बारी अगर उंगली में गुठी पड़ गया ना तो फिर कुड़ी उनकी हो गई है। ले एमे हमारी हो गई है और कुड़ी बाद में है, पहले हमारी माँ है। माँ बहन मेरी है, अगर इस तरह हो गया तो ये बेचारी रीमा क्या सोचेगी। खैर मैंने कुछ नहीं सोचना, मुझे वैसे ही जंगली बकरा चंगा नहीं लगता। बस तू सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, हुण वेख मैं क्या करता हूँ। वेख लवांगे आहो। उला ला हेलो, मैं आपकी तरफ आ रही थी। आपको हमारी तरफ आना ही पड़ेगा। जी जी भाई, वो सब कुछ अचानक ही हो गया है। भाई किस्मत के लिखियों को कौन टाल सकता। ना जी ना, अगर किस्मत कोई अन्य फरिश्ते नहीं लिख रहे, वो जी मेरी बच्ची का क्या होगा। आप ना नबील के नहीं बेबो के पापा बन के सोचे ना। देखो भाई मैं सिर्फ बेबो का पापा नहीं हूँ, मैं जकिया के शौहर भी हूँ। और अंधे तो खैर हम हो गए थे, आपने हमारी आंखें खोल दी, अब हम ना रीमा को अपनी बहू बनाएंगे। बस ये क्या बताऊं, जवानी में ना रीमा के अब्बाई जन्नती हो गए। ये पक्की बात के वो जन्नती हो गए? जी जी कन्फर्म है। तो उसके बाद ना सब कुछ मैंने खुद ही संभाल लिया, बस अक्ल आ गई। हाँ भाई हमें अकल देर से आई। ये जी आपकी अमानत। क्या बात कर रही है आप, ये मैं आपसे वापस लूंगा क्या? यहीं से अपने पास ही रखिए। और रिश्ता? रिश्ता मंजूर। आपको कोई इतराज नहीं? अरे हमें क्या इतराज होगा, मैं पहन लूं। आप पहने, आपके हाथ में कितनी अच्छी लग रही है ये। बहुत स्वीट है। अब ना हम रीमा ही को अपनी बहू बनाएंगे बस। ये तो पागल था पागल। उलाला क्या क्या कर रहे चप्पा। पहली बात तो ये हम उलाला के साथ कीड़ियाँ कर रहे हैं, अब दूसरी पूछो। सुरैया से क्या बातें हो रही थी? सुरैया के बारे में क्या बात होनी, हम तो ये सोच रहे भाई कि अम्मा ने अंगूठी पहना दी, सुपी ना दी, अब तो सुरैया को लेके जाएंगे। क्या उस मोटी आंटी के साथ मेरे बच्चे की शादी करोगे? अब बच्चे की क्यों करेंगे, हम मर गए क्या? मारे अरे मुझे की मार रही हो? ये गोल्डन मशवरा तुम्हारे साहबजादे नबील ने दिया, अब फ्रेम से निकलो। क्या हम उलाला करेंगे? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते है? रीमा को तो मुंडा पसंद ही नहीं है। पर माँ जी को तो पसंद है। मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी माँ यहो जी निकलेगी। तो अब सोच लें। मैं खुद गल करके आता। और रहने दें। क्यों? कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? माँ जी बहुत खुश है, वो किसी की नहीं सुनेगी। अब मेरी गल कान खोल के सुन लिया भेजे, खून खून की पुकार जरूर सुनता है। माँ मेरी पुकार सुननी पवेगी। आपको इतनी मार पिटनी है कि आपकी पूरी शाम की कसर पूरी हो जानी। देख लवांगा मैं सारी जिंदगी हीरो के पीछे गंडासा पकड़ के तो खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन इस ब्याह में खड़ा नहीं हो सकता। भाई मां उस शादी तो रोकना ही पवेगा। इनको पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्यों रीमा की खुशियों के पीछे पड़ गए। हेलो प्रवेश स्पीकिंग। नहीं और कोई अपडेट नहीं है, और कुछ नहीं हो रहा। लुक आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, बाय। लाहौर हादसों का शहर, ये शहर मेरे लिए तो बड़ा लकी रहा, आते ही बड़ी चोटें लगी। यार किससे मालिश कराऊं, किसी की सीट में एंट्री हो तो बोलूं उसको। ठीक हो जाए। अरे माँ अच्छा हो तुम आ गई यार, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मालिश तो कर दो। तो फिक्र ही ना कर बेटा, बड़ी अच्छी मालिश करूंगी तेरी। अच्छा ये तो कभी ये पेजा जो है ना, ये सरसों का तेल देके गया था, कहता कि इससे मालिश करोगे ना पैर एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ बच्चू अभी करती हूँ, तेरी दादी ने तो आज गड़बड़ी कर दी थी। हाँ मगर अम्मी अब मैंने सब सेट कर दिया है। हाँ वो तो तेरे अब्बा ने बतलाया है मुझे। फिर अम्मा तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम किस बात की? ओ शुक्र अम्मा,
मैं तो डर रहा था कि कहीं तुम नाराज ही ना हो जाओ। ए पगले, तू अपनी मम्मी को जानता है नहीं है? जानता हूँ, जब भी तो डर रहा था मैं। ए नहीं, तू अगर जानता तो डरता नहीं, मर ही जाता। आज तूने सोचा कैसे कि मैं अपने ऊपर सोतल लाने दूंगी? ऊपर कौन ला रहा है? सुरैया आंटी तो नीचे वाले फ्लोर में रहेंगी ना। हम तेरे लिए रिश्ता देखने आए थे, तेरे बाप के लिए नहीं। और लड़की हमें पसंद आ गई है, समझा तू? कहा थे रोना? हाय हाय, वो दादा तेरा हले जीवंदा पुत्र हुए। दादाजी परो माँ। मेरी बात सुन पुत्र, मैं उसको समझा लूंगा। ओ मैं उसको बताऊंगा कि पुत्र जो है ना हो तो नूह भी पराई हो जाती है। पर दादा मैंने तो कुछ और ही सोचा था। मेरी बात सुन पुत्र, क्या सोचता है तू? लाहौर के सुल्तान राई जूनियर को कराची की बेबो से प्यार हो गया है। हम तो दादा मैं यही गाना गाऊंगा। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था दिल आटे। मेरा कलेजा कर लेने लगा सी। मेरी बात सुन पुत्र, सियाना पन एक घर में दो बराते नहीं जा सकती। दादा फिर ये गल लाशा दे टहर लग जाएंगे और नहर पै जाएगा। ओए मेरे को बड़े आशका, बेकर हो जा मेरे शेर पुत्रा, ये दादा तुम्हारे साथ है। पाता भी चाहत आ हाय बदलू हाथ लावा, मैं उड़ी उड़ी जावा, हवा देना वे मैं उड़ी उड़ी। माँ अगर तूने उड़ने का प्रोग्राम बना लिया है ते मेरी एक गल कान खोल के सुन ले। हाय एक गल क्यों पोतरा, मैं तेरिया हजार गल्ला सुनांगी, पर पहलू तू मेरी एक गल सुन। सुना कारिज बिया होना ला है, बहुत देखभाल के तूने लड़ा है। माँ जी। हाँ जी, कराची वालों से हमारी रिश्तेदारी बन गई है पुत्रा, अब उनका बहुत चंगा ख्याल रखना है हमने। माँ ये तू किस तरह कर सकती है, किस तरह? क्यों नहीं कर सकती, तेरे अब्बे के बाद मेरा इक्को इंतखाब से पुत्रा। अगर अब्बे को पता होता तो इतनी जल्दी ऊपर ही ना जाता, जन्नत में उदास बैठा होगा। हाय ऐसे मौके आते बाकी सभी बहुत उदास बैठे होंगे, लेकिन मेरी बात सुन, 20 किलो मिठाई ले आ मेरा बच्चा जाके। बस माँ बस, मैं अभी इतना बगैरत नहीं हुआ कि मिठाई ला के बांटू भी और खुद भी खाऊं। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे मर जाने फिर सुल्तान राय का दौरा पै गया नू। वे सुल्तान बड़ी बड़ी गल बिगड़ जानी है सुल्तान। और नबीले और क्या हुआ? पहली गोली तेन इसलिए मारागा के मैनू तेरा प्यो पसंद नहीं। क्या हो गया सुल्तान भाई? सवाल बड़े कर दे ते दूजी गोली तेनू इस लई मारांगा के तेरी दादी उच्चा सुनदी है। ते सुल्तान भाई दो गोलियां काफी है यार। अले ते पूरा मैगजीन तेरे ते खाली करने आए। ते तीजी गोली तेनू इस लई मारांगा। किस लिए मारांगा? तेनू मारन तो बाद दसांगा। अरे भाई अब्बा अम्मा अरे मन तो रजनीकांत में बड़ा फर्क होता। अब मैं क्या करूं? अब कलमा पढ़ ले, इससे बहुत आसान हो जाती। अरे किसने कहा है यार झूठ बोल के आओ? क्या तुम लोग झूठ बोल के आए हो? हाँ झूठ बोलना पड़ता ना, इससे बिजनेस कमिटमेंट खराब होती। अरे झूठे आदमी क्यों झूठ बोल रही है? अरे कार का बिजनेस, कहाँ का बिजनेस? तुम लोगों का बिजनेस नहीं है? अरे भाई हमारा स्वीडन में, डेनमार्क में, पेरिस में, लंदन में, पूछ रही कौन सा वाला बताना है। हाँ लंदन में, पेरिस में, डेनमार्क में, अमेरिका में। हाँ वो हमारा लंदन में, अमेरिका में, पेरिस में बिजनेस है। मैंने तो केफी से कहा है वहाँ पर एक विलास खरीद लो। अब सो गया, अब सो गया। अरे मेरा भाग तो वो पेड़ सो गया, पेड़। अरे सुनिए आंटी, सुल्तान भाई को क्या हो गया है कि वो अपनी बहन को बेवा करने जा रहे हैं? तुम रीमा से शादी करने वाले हो? तो और क्या, कराची से क्या करने आए भाई, शादी करने तो आए यार।
माँ की कह रहे है? है मरण जो गया इसीलिए तो मैं इतनी खुश हूँ। कफील पा ने रिश्ता कबूल कर लिया है। है? ओए मुबारक। पीर को फिर से जगाएगा। वड्डा है कराची से शो मारने वाला छोटा। गरीब पैसे वाली ना होती ना तो कभी से शादी ना करता। बेबी क्या तुम कर रहे हो मम्मा को? अरे यार हमारे सूट तो कमरे में कोई नहीं ना, इस वक्त तो हमारी अपनी जबान बोलो यार। अब भावला हो गया क्या? चारों तरफ जासूसों की तरह घूमते रहते, सूंघते रहते सुसरे, एहतियात लाजिम। अरे भाई मुझे मजा नहीं आ रहा ना बा, मैं चाहता हूँ मेरी अम्मा के हाथ में सीधा चप्पल और ऐसे ऐसे करके लड़ेंगे तो मजा आएगा। अबे चप्पल उठाऊ तुझ पे मैं, अबे पकड़ाई देगा हमारी। हेलो डिफेंस की मैडम के कपड़े पहने हुए और ये मुझे चप्पल उठाने को कह रही है, समझाओ इसे कैफी। कौन कैफी? तुझे कह रही हूँ। हाँ अबे तू भी थोड़ी सी शर्म पकड़ ले, देख तेरी माँ की रिएक्टर में कैसी फिट आ गई। और ये मुझे उसी गरीब स्टाइल में बात करने को कह रही है, वो तो मैंने ख्वाब में भी नहीं करना। अब तो मंगनी भी हो गई है और मैंने सोच लिया कि शादी के बाद ना इंग्लिश डांस के स्कूल में एडमिशन लूंगी। वेरी गुड वेरी गुड, मैंने तो सोच लिया मैं अंग्रेजी अखबार पढ़ूंगा, मैंने तो अभी से अंग्रेजी किताब भी शुरू कर दी। अब्बा तुम अंग्रेजी अखबार कैसे पढ़ोगे, तुम्हें तो इंग्लिश ही नहीं आती। अरे बेटा जब पैसा आता तो घर में अंग्रेजी अखबार ही लगता बस। हाय तब पैसा होगा, मैं तो अमेरिका दुबई में ना शॉपिंग के लिए जरूर जाऊंगी, वहाँ से ऊंची हील की जूती और डिमांड्स तो जरूर लूंगी। हाय अरे पढ़ी लिखी होती तो ये लव सही बोल रही होती तू, डिमांड्स नहीं होता डेमंड होता डेमंड। क्यों बे कैसी अंग्रेजी बोली? पापा डेमंड नहीं होता डायमंड्स होता है डायमंड्स। भाई क्या तो सही रहा ये, तुम लोग फंसवाओगे मैं यार। माँ जी देखो ना फंस गई है। हाँ तो थोड़ा खाया कर ना, थोड़ी पतली हो जा, कितनी बारी मैंने तुझे कहा कराची के लोगों को ना मोटी लड़कियां पसंद नहीं है। तो किसने कहा था कराची वालों को मोटी लड़की से मंगनी करने का? अरे माँ इतने अमीर लोग, कभी इंग्लैंड तो कभी दुबई कभी अमेरिका, हाय तेरे तो ऐसे जाने सोच जरा, अपना जहाज है उनका उड़ती फिरेगी पूरी दुनिया में। मुझे कोई शौक वौक नहीं अमेरिका शमेरिका जाने का, मैं यहीं पे खुश हूँ ना अम्मा। तो ना शुक्र ना बाण, और ये खबर था कि तूने अंगूठी उतारी अपने हाथ से। माँ जी थोड़ा टाइम तो ले लेना था ना, किसने कहा था दो दिन में मंगनी करने का? लड़का देखा आपने? बस लड़की देखी है तुमने, मैं तो कह रहा हूँ क्या जरूरत थी इतनी जल्दी मंगनी करने की। बात सुन बे, अबे इतने पैसे लगा दिए तुझ पे, अब तो यहाँ से जाएंगे तो लड़की लेके जाएंगे और वो भी इतने सारी जहेज के साथ। मगर मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई, मैं नहीं करूँगा ये शादी। अबे इसी दिन के लिए तुझे पेट काट काट के पाला था क्या, हमारे अरमानों पर पानी छिड़क लिया तू? अब्बा पापा कहते हुए मौत चढ़ती तुझे, अब कान ओपन करके सुन ले, मंगनी हो गई वेडिंग भी होगी। वेडिंग? अपनी अंग्रेजी के चक्कर में मुझे दाव पे मत लगाओ यार, कोई और घर देख लो। अरे पागल हो गए क्या, पूरे 10,000 में ये रिश्ता दिखाया मिसेस कुरैशी ने, हमारे पास और पैसे नहीं है, अभी 5,000 तो और देने हैं उसको। ऐसी आसमानी आफत से तो अल्लाह ही बचा है, बहुत ही खूखार सी लड़की है वो। माँ जी अगर उसने मुझसे बदतमीजी किया ना मैं उसका खून पी जाऊंगी। चुप कर रही,
होने वाले शोहर को ऐसे नहीं बोलते होते, जो कुछ बोलना होता ना शादी के बाद बोलते हैं। अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है, शादी तो बहुत दूर है। गल सुन ली रीमा, मंगनी हुई है तो शादी भी जरूर होगी। पूरे 25,000 रुपए दिए मैंने रिश्ते कराने वाली माई को। हाय अल्लाह माँ जी, आपने उस शनाको मासी को पूरे 25,000 दे दिए, और जब मेरा शाहरुख बीमार था उस टाइम मैंने आपसे 2,500 रुपए मांगे थे, वो नहीं थे आपके पास? हाँ तो वो तो बेकार सा कबूतर है, बदशकला जाए। माँ जी चुप कर, ये सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया। बस अब तूने पता क्या करना है, तूने ना इस सोने की चिड़िया को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना। मुट्ठी में तो ऐसे करूंगी ना कि सब याद करेंगे, बड़ा है विलायती चूजा, ग्रेजी तोता कहीं का। ओ नीलिए मकदरा आलिए, तू तो खा, ओ मेरा तो रोजा है, ओ तू तो खा सकती है। नीमे जी, ओ बिस्मिल्ला करा। अरे नीमे जी, आप कहाँ हैं? अरे हम तो आपकी नील गूं गाय की तबीयत नासाज के बारे में इस्तफसार करने आए हैं। इधर हूँ मैं, ओ नबील की दादी फिर आ गई हो गाड़ी और मुश्किल उर्दू बोलने के वास्ते। अरे रास्ते, अरे नहीं रास्ते में तो कोई नहीं मिला मुझे। सुने हसी के प्यार अन्ना होता है, अब आके पता चला कि प्यार बहरा भी होता है। वैसे शमशी जी, कोई आपसे तो अच्छी मेरी नीली है, और जो मेरी बातें तो समझती है। खेती है? हाँ, मुझे पता है आपकी अपनी खेती बाड़ी है, जमींदार जो हुए। ओ जी ये किवें हो सकता है कि आप मेरे होते हुए यहाँ बोर हो जाएं? मैं हूँ ना। ओ मुझे तो रोना आ रहा है, जब से आए हैं यहाँ पे कैद है, इतना सुना था लाहौर के बारे में, लाहौर ये लाहौर वो लाहौर, यू कुछ भी नहीं है। खुदा के वास्ते ना रोना, वरना मैं भी रो पड़ूंगा। अफ्तारी के बाद ना मैं आपको पूरा लाहौर घुमाने के वास्ते ले जाऊंगा। रास्ते आए फिर रास्ते, यहाँ तो सारे रास्ते बंद हैं, हम तो हवेली में कैद हो गए रह गए हैं, रास्ते तो कहीं खो से गए हैं। आवाज आ रही है? नीमे जी इतने जोर से बोल रहे हैं, हम कोई बहरे हैं, आहिस्ता बोलिए। शुक्र है आपको मेरी आवाज तो आई आपके कानों में। अफ्तारी के बाद लाहौर घूमने जाएंगे। सच्ची? हाजी मुच्ची, मैं आपको लेके जाऊंगा। अपना नीलिए, ओ सोनिए कुछ खांदी पींदी रही? या रब्बा मेरी नीली का ख्याल रखना। आइए। अच्छा जी। ओ इधर, हेलो, इधर एनु एनु। हाँ क्या एनु? कबो एनु। हाँ कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ, कबूतर जा जा जा। दे मेरा कबूतर। मैं तो सिर्फ इसको मतलब कह रहा था कि चिट्ठी दिया साजन को। मेरा शाहरुख ऐसे छछोरे काम नहीं करता। हाँ नहीं नहीं, ये गाना तो सलमान खान के ऊपर है। वही तो, इसका नाम शाहरुख है और इसे सिर्फ शाहरुख के गाने पसंद है। हाँ तो कोई मसला नहीं, आई एम वेरी गुड इन सिंगिंग, आई लव DDLJ। अभी मैं आपको गाना सुना रहा हूँ उसका। वो क्या था? तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। ज्यादा शोखी होने की जरूरत नहीं है। मिस्टर भेजा, व्हाट इज शोखा? ओहो, ज्यादा अंग्रेज होने की जरूरत नहीं है, वैसे तो सारे गाने आते, बस शोखे का ही मतबल नहीं पता। ओ नहीं जी, इनको उर्दू गाने कहाँ आते होंगे, आपके लिए सीखे होंगे, वैसे तो सिर्फ इंग्लिश ही सुनते होंगे ना, क्यों जी? वेरी गुड, आई लाइक यू सर्वेंट, आई लाइक यू, यू आर इंटेलिजेंट, गुड गुड, शाबाश। वैसे कोई इंग्लिश का गाना ही सुना दे ABCD के अलावा। वो इंग्लिश का गाना? हाँ हाँ कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। गाना? हाँ हाँ हाँ, ये गाना तुम्हारे शाहरुख खान को डेडिकेट करता हूँ। यू आर माय चम्मक चलो, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, यू आर माय चम्मक चलो। बेसरा कहीं का, पेजे पकड़। मैं तो क्या हुआ, क्या इसको क्या हुआ यार? समझ नहीं ना आई होगी बेचारी को आपकी इंग्लिश। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
इंग्लैंड से बाबू लोग आ गए, सबको अंग्रेजी सिखा देंगे, तुझे भी सिखाएंगे, डोंट वरी। हां, यू आर सो अमेजिंग, अनबिलीवेबल, इंटेलिजेंट, व्हाट अ वंडरफुल टीचर यू आर। थैंक यू यार, देख सीख गया ना, और सिखा दूंगा। कमाल है भाई, घर से ही शादी का माहौल महसूस हो रहा है। वेरी गुड, मेरी अम्मी जी सच कहती हैं, जहां मेरी खालिदा ने कदम रखा वहां शादी तो होनी ही होनी है। माजी, माजी, माजी की तो, माजी। हाय मर जानी है, एक को बारी मेनू कत्ल कर दियो, ये क्या थोड़ा थोड़ा हार्ट अटैक कराती है मुझे। माजी वो माजी वो, जमन तंग ना कर, पहले कुंगरू नहीं डाल रहे मेरे बालों में, इतना नहीं मांग की मदद ही कर दे। माजी कुंगरों का छोड़ो, खेप पड़ने वाली है आपके सर में, वो आ गई है। हाय मैं मर जाऊं, नारो वाला ली फूफी तेरी तेरी आ गई। हाय हाय, उसको तो हसद ही बड़ा है मेरी बेटियों से, तेरी शादी पे भी उसको सच बोलने की मौतें पै गई थी। मोदी मस्त खान का क्रेशी आ गई है। हाय मैं मर जावा, हाय चल नहीं उसे रोके। ओहो भाई बड़ी गर्मी है, बंदा रमजान में एसी ही लगवा लेता है, मेहमानों को चाय पानी ना सही, बंदा ठंडी हवा में तो बैठ जाए। है पानाघाट पे नंदलाल छेड़ गया रे, इसकी दादी लग रही है, मैंने तो एक रिश्ता कराया है, यहाँ तो पूरी फैमिली पैकेज पर आ गई, वरना इस उम्र में ऐसे गाने कहाँ। अम्मा जी, कलैया मारो। अम्मा जी, अम्मा जी, अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? आई कौन जक्कू, आई तू यहाँ कहाँ फिर रही है? अच्छा चल, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। है जक्को, मैं खालिदा हूँ, मिसेस खालिदा कुरैशी। ऐंची, तेरी जबान कौन सी ऐंची से कम है? अच्छा सुन, मैंने सब मालूम कर लिया है। अच्छा क्या? ये लोग रीमा की मंगनी से बहुत खुश हैं। हायो मेरे रब्बा, कैसे धोखेबाज लोग हैं, रिश्ते के लिए मेरे तरले कर रहे थे और अब ऊपर ऊपर से मंगनी कर ली। और जो शेखियां हमने मारी थी ना, आपने, सिर्फ आपने, उन पर भी एतबार कर लिया है। मानसी, अच्छा चल मैं अब सोने जा रही। हाँ एक बात और से सुन ले, बहुत ध्यान रखना है राजसारी का, और सुन ना ले। अच्छा, अच्छा? हाँ मारी नाजुक कलैया मारो। लाजी मेरा काम तो पूरा हो गया, अब मैं इन दोनों से पेमेंट लेकर ही जाऊंगी। ओ मैडम जी, ओ हम ले चलते हैं, और इस ताले की टैसी ना चाहिए हमारी टिकट सही। क्या मैडम चलोगी? क्या बकवास कर रहे हो, मैं ले जाता हूँ भाई। ये खजूर बेबो, बेबो तू जरा सी दादी को संभाल नहीं सकती? दादी जरा सी नहीं है, इतनी बड़ी है, और क्या वो कोई मिठाई की प्लेट है कि उनके ऊपर नजर रखो ताकि चूंटियां ना चढ़ जाए? चूंटियों की छोड़, यहाँ के तो दादा भी मीठे के बड़े शौकीन है। बस कर दे अम्मी, या फिर भाई का रिश्ता हो गया ना, वही बहुत है, बेचारी दादी वॉक पे गई है। अरे अगर दादी ने किसी को बता दिया ना तो मैं यहाँ से रनिंग करनी पड़ेगी। आप यूं ही परेशान हो गई थी, आ गई दादी। आदी, अरे आदी कहाँ, मैं तो पूरी बात करके आई हूँ पूरी कोठी में। अरे अम्मा ये बताओ कोई मिला तो नहीं? अरे कोई मिला तो नहीं वहाँ पर? अरे पता नहीं क्या कह रही हो, हटो पीछे, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो थक गई हूँ। मत गई वॉक करके, बहुत थक गई, सोने दो मुझे। लो सहरे करके आके अब सो रही है। अरे अम्मा सुनो ना, अरे उठो ना अम्मा, अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ अम्मा। अरे अम्मा उठो ना, एक तो तुम्हारी दादी ना, खालदा भाजी आप कैसे आ गई, मेरा मतलब है हम आपको याद कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं आई हूँ, मैंने कहा आप दोनों फैमिलियां मिल गई हैं, मैं जाकर अपनी पेमेंट ही ले आऊं। पेमेंट तो फिर की होया भाई, हम दे देते, कोई भाग तो नहीं रहे थे? तो जाओ जाकर लेकर आओ ना। हाँ ऐसे कैसे ले, ले अभी तो नबील को देखा, अभी बात आगे बढ़ेगी फिर मिलेगी पेमेंट। देखो सुरैया मेरी इंटेलिजेंस बड़ी तेज है, मुझे पता है कि तुम लोगों ने रीमा को अंगूठी पहना दी है, जल्दी जाओ पैसे लेकर आओ, आज तो मैं अपनी पेमेंट लेकर ही जाऊँ। ऐसा कब होता है,
और फिर कैसे होता है, ये मत भूलो कि ये रिश्ता मैंने करवाया है, वरना ये लोग कभी भी गुजरों में रिश्ता नहीं। मिसेस कुरैशी आई हैं। जी कबीर भाई कैसे हैं आप? अभी तक तो ठीक था, सब ठीक है। किसका रिश्ता करा रही गुजरों में? नहीं नहीं नहीं, पाकफील गुजरों में कौन सा रिश्ता भैया, इतने बड़े बड़े घरानों में रिश्ता कराती हैं, पेमेंट जो हाथ के हाथ मिल जाती है इनको। बस कफील भाई आप तो जानते हैं मैं पैसे और रिश्ते के मामले में पंचुअल हूँ। मारे गए, जानता हूँ मैं, जानता हूँ। आप तो जानते हैं कराची में लालू खेत कुरंगी और रणछोड़ लाइन के लोग मेरे पीछे पीछे फिरते हैं कि अमीरों में रिश्ते करवा दो, भला मैं करवाती फिरती हूँ? अरे कहाँ कराती हैं आप तो डिफेंस और कलेक्शन के क्लाइंट के अलावा किसी पर हाथ ही नहीं डालती। बिल्कुल बिल्कुल, पाकफील इधर भी यही हाल है, देखे ना ये मॉडल टाउन डिफेंस से नीचे तो बात ही नहीं करती है। हाँ तो मैं कह रही थी। नहीं नहीं आप कुछ ना कहें। हम जानते हैं, हम सब जानते हैं। अच्छा चलो आप ऐसा करें, हाँ अफ्तार में तुम दोनों के साथ करूंगी, कोई अच्छा सा बंदोबस्त करो अफ्तारी के लिए। इतनी बातें करने के बाद एक बात अच्छी कर दी मिसेस कुरैशी ने, आए चलो भैया तारीख का बंदोबस्त करो। हाँ टाइम कम है, जल्दी करो ना। हाय हाय ये नाश्ता जी कहाँ से टपक पड़ी। ए कपिल, ए नबील के अब्बा, ए कैफी। अरे क्या हो गया, चुप कर जा, कार को शोर कर रही तू। अरे ये खालदा कहाँ से टपक पड़ी, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। अरे मैं तो ये सोच रहा था जो नबील को सलामियां मिलेंगे ना ससुराल की तरफ से, विश्वे से पैसे हम मिसेस कुरैशी को दे देंगे। ए, मैं तो कह रही हूँ उससे थोड़ा सा टाइम मांग लेते। उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे, बातों बातों में जतला गई कि वो हमारा पोल खोल देगी। अल्लाह की बड़ी बनाई बात ही ना बिगड़ जाए। आए तुम देखो तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? 1000 का नोट है मेरे पास, चाहो तो मैं उसका कुछ कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं खुद ही बात करती हूँ उस खालदा की बच्ची से, शायद मान ही जाए। चल जल्दी बात कर उससे। तू क्या बात करेगी उससे, या अल्लाह बनी बनाई सबके खाक भी ना मिल जाए मेरे मालिक।